नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। लगातार आपकी मुलाकात जनता से करवा रहे हैं, आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े रहने के बाद। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? आरती। मैम कहाँ से आई हैं? फ्रॉम सिरसा। मैम कितना टाइम हो गया डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए? 30 ईयर्स हो गए, 30 ईयर्स अबव हो गए हैं मुझे डेरा से जुड़े हुए। मैम आप 30 ईयर्स से यहाँ पर आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि संत जी जब समाज में वापस आएंगे तो समाज को इससे क्या लाभ होगा, क्या परिवर्तन आ सकते हैं? संत जी ने जो जो बातें की हैं, मुझे नहीं लग रहा कि वर्ल्ड में किसी ने भी वो सारे वर्क्स किए हैं। अगर हम इसी रीसेंट की बात करें कि अगर वो 1 मंथ के लिए आए थे तो नियर अबाउट 20 लाख पीपल हैं, कहते हैं कि नाम भी लिया है, नशा छुड़वाया है इतने लोगों को, तो अगर परमानेंट आ जाते हैं तो आई थिंक तो वर्ल्ड तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा ना। तो इसलिए मेरे ख्याल से उनको परमानेंट वापस आना चाहिए, ताकि जो हमारा समाज है इस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब हर बुराई में आगे है इस वक्त, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि हम अपने देश से ही स्टार्ट कर सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने देश को अपने समाज को बहुत बढ़िया बनाएं और उनको परमानेंट वापस लाएं। मैम आपको क्या लगता है कि जो संत जी पर आरोप लगाए गए थे उनके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो क्वेश्चन भी बहुत फनी है, आई रियली मतलब सेज की क्वेश्चन भी फनी है, क्योंकि अगर ये चीज़ होती तो अभी भी आप देखो कि अगर 20 लाख पीपल्स ने अभी नाम लिया है, नाम शब्द लिया है, दे आर फॉलोइंग ना, अगर इस चीज़ पे थोड़ा सा भी इम्पेक्ट होता तो उनको 5 ईयर्स के बाद भी जब वो आए हैं तो इतने लोग नाम शब्द नहीं लेते। इट मीन कि लोगों ने बिलीव नहीं किया कि उन पे जो आरोप लगे हुए थे वो सच थे, और ना हम इस चीज़ को मानते हैं और ना ये कभी पॉसिबल हो सकता है और ना ये ट्रू है। हम गवर्नमेंट से आप क्या अपील करना चाहेंगे? गवर्नमेंट से तो यही अपील है कि गवर्नमेंट नोज़ ईच एंड एवरीथिंग, उनको भी सब पता है। अपील तो हमारी यही है कि जितने भी वो कह रहे हैं कि दे हैव प्रूव और सब कुछ, उनको दोबारा से देखा जाए, चेक करा जाए, तो दे विल फाइंड कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होंगी जो ये मतलब प्रूव करने की कोशिश की गई है, तो मुझे नहीं लगता ये कभी भी प्रूवन होगा कि ही इज़ रॉन्ग। जी धन्यवाद। तो जैसा आपने देखा कि जनता की एक ही मांग है कि संत जी जल्द से जल्द आने चाहिए, इनके संत बिल्कुल निर्दोष हैं, जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं। ऐसे ही फैक्ट को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द फैक्ट टाइम में। धन्यवाद।